हाल ही में कपूर परिवार ने घर में बड़े सदस्य और डायरेक्टर राजीव कपूर के निधन से परिवार को काफी गहरा सदमा लगा। राजीव कपूर का निधन 9 फरवरी 2021 को हुआ। राजीव कपूर के जाने के बाद से पूरा कपूर खानदान है काफी दुखी। अब यहीं पर एक्टर नील नितिन मुकेश ने भी किया है चौंकाने वाला खुलासा, किसी और को लेकर नहीं बल्कि राजीव कपूर को लेकर। जी हाँ, आपको बता दें कि नील नितिन मुकेश और उनके परिवार के लिए ये खबर काफ़ी ज़्यादा दुखद भरी थी। राजीव कपूर उनके पारिवारिक दोस्त थे। नील प्यार से उन्हें चिंपू अंकल कहते थे। जिस दिन राजीव कपूर का निधन हुआ था उसी दिन नील की शादी की चौथी शादी की सालगिरह थी। 4 साल पहले उदयपुर में हुई नील की शादी में राजीव कपूर अपने परिवार के सदस्य बनकर शामिल हुए थे। चिंपू अंकल के निधन से नील काफ़ी ज़्यादा सदमे में है। उन्होंने इस दुखद अनुभव को शेयर करते हुए बताया कि उनके हादसे से एक दिन पहले उन्होंने अपनी शादी की वीडियो में चिंपू अंकल को देखा था। इंटरव्यू में नील नितिन मुकेश ने कहा कि हमने उनके निधन से पहले 8 फरवरी को शादी की वीडियो में चिंपू अंकल को देखा था। हमने वीडियो देखने का फैसला किया और पुराने यादों को ताज़ा करने का फैसला लिया। देखने के दौरान हमने कई बार उनसे के बारे में बात की। वो बहुत ही खुशी से नाच रहे थे। अब मैं ये बात नहीं मान पा रहा कि अब चिंपू अंकल हमारे बीच नहीं रहे और मैं उन्हें दोबारा नहीं देख पाऊंगा। नील ने आगे कहा कि मैं और मेरे पिता नितिन मुकेश तीनों भाई रणधीर, ऋषि और राजीव के काफ़ी करीब थे। हम समझते थे कि राज कपूर की आवाज़ मेरे दादा मुकेश है, पहले चिंटू अंकल अब चिंपू अंकल। पापा इन दोनों के निधन से काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। नील ने कहा कि अक्सर राजीव कपूर से फ़ोन पर बात किया करते थे। उन्होंने कहा कि हमने उस बुरे दिन से ठीक 1 हफ्ता पहले बोला था। चिंपू चाचा ने कहा था कि वो जल्द ही घर आएंगे। हम यही सोचकर खुश थे कि वो हमसे मिलने आने वाले हैं। सभी काफ़ी खुश थे इस मौके को लेकर। मुझे याद है कि उन्होंने गणेश उत्सव के दौरान मुझे फ़ोन किया था और मुझसे कहा था कि इस बार हम नहीं मिल सकते क्योंकि कोरोना वायरस महामारी चल रही है। और आज उन्हीं की ये की गई पुरानी बातें एक बार फिर से याद आ रही है कि कैसे आखिरी बार गणेश महोत्सव के उत्सव पर नील नितिन मुकेश की हुई थी बातचीत राजीव कपूर से, और इसे लेकर वो फिर से इन यादों को ताज़ा कर रहे हैं। नेक्स्ट 9 लाइव से रजनी की रिपोर्ट।